तो ये जो ट्रेंड है इसके ऊपर अगर आपको एक परफेक्ट रील बनाना होगा तो बहुत ही आसान तरीका इस तरीके का रील बनाना, इस तरीके का रील अगर आपको बनाना होगा तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आपकी खुद की कोई भी 3 फोटोज़ रेडी करके रख देनी है। 3 फोटोज़ रेडी हो जाने के बाद आपको प्ले स्टोर पर जाके एक एप्लीकेशन को यहाँ पर डाउनलोड करना है जिसका नाम है VN एप्लीकेशन, जो स्क्रीन के ऊपर मैं अभी मूव कर रहा हूँ। मैं आपको एक बार एप्लीकेशन का लोगो दिखा देता हूँ। अभी आप देख सकते हो जो जिस एप्लीकेशन को मैं यहाँ पर मूव कर रहा हूँ ये एप्लीकेशन है VN एप्लीकेशन। तो ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाने के बाद मैं आपको यहाँ पर एक कोड प्रोवाइड कर दूँगा। तो ये जो कोड रहेगा कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, स्क्रीन के ऊपर आपको एक फ़ोटो दिख रहा है, तो कुछ इस तरीके से ये कोड रहेगा। तो ये जो कोड है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा या फिर मेरे इंस्टाग्राम चैनल के हाईलाइट्स में आपको मिल जाएगा। तो आप कहीं पर भी जाके इस कोड को एक्सेस कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम चैनल की और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को, जो VN एप्लीकेशन आपने डाउनलोड किया, इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको आपके मोबाइल पे शो हो जाएगा। अभी स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे ऊपर आपको एक 3 डॉट्स दिखेंगे, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर एक स्कैन का ऑप्शन आ जाएगा, इसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसे सिलेक्ट करने के बाद जैसे मैंने बोला था, वो जो कोड वाला फ़ोटो रहेगा उस कोड वाले फ़ोटो को आपको आपके मोबाइल में सेव करना है, उसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना है और उसके बाद उसी फ़ोटो को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो कोड अपने आप स्कैन हो जाएगा और यहाँ पर ये जो टेम्पलेट है वो ओपन हो जाएगा। अभी स्क्रीन के राइट हैंड साइड पर नीचे आप देख सकते हो एक यूज़ टेम्पलेट का ऑप्शन है। अगर आप इसे फर्स्ट टाइम यूज़ करोगे तो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, तो इसे आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड हो जाने के बाद यहाँ पर यूज़ टेम्पलेट का ऑप्शन आ जाएगा, इसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर ऊपर ऑल का ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके गैलरी में जितने भी फोल्डर है सारे फोल्डर की लिस्ट आ जाएगी। इसमें से जिस भी फोल्डर में आपने फोटोज़ रखे होंगे उस फोल्डर को यहाँ से आपको ओपन करना है और फोटोज़ को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल इस फोल्डर को ओपन करके मैं यहाँ पर 3 फोटो सिलेक्ट कर लूँगा। तो फर्स्ट फोटो सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद सेकंड फोटो सिलेक्ट करना है, उसके बाद जो थर्ड फोटो आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे नीचे आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली तीनों स्लाइड पर आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपके तीनों फोटो सिलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद स्क्रीन के राइट हैंड साइड पर नीचे एक नेक्स्ट का ऑप्शन है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद बस यहाँ पर आपका जो वीडियो है वो रेडी हो चुका है। इसके बाद इस वीडियो को अगर आपको आपके मोबाइल की गैलरी में सेव करना है तो स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे ऊपर आपको एक ब्लू कलर का अपवर्ड एरो दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर नीचे एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो बनाया वीडियो आपके मोबाइल की गैलरी में सेव होना शुरू हो जाएगा। ये 100% एक्सपोर्ट हो जाने के बाद आपके गैलरी में ये सेव हो जाएगा। इसके बाद इसे आप इंस्टाग्राम के रील सेक्शन पर ऐड कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से जो ट्रेंडिंग रील है आप बना सकते हो। तो अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा, अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। थैंक यू।